क्या हाल चाल है सबके। वेरी गुड मॉर्निंग। अभी बज रहे हैं सुबह के 11। रात को काफी लेट सोए थे तो अभी बहुत सारे काम करने हैं। डाइन और मैक्सिमस को घुमाना है, देन ब्रेकफास्ट करेंगे। और आज का जो मेन मुद्दा, जो आज का वीडियो है, यस वी आर प्लानिंग टू बाय माई ड्रीम सुपर बाइक। हम देखेंगे बहुत सारे बाइक के ऑप्शन है कि कौन सा बाइक लेना है। अगले हफ्ते या दो हफ्ते में वी आर गोइंग टू बाय अ सुपर बाइक। मैं अनी भैया के साथ मिलकर बहुत सारे राइड्स करने वाला हूँ, बहुत सारा कंटेंट डालूंगा एंड आई होप आपको वो सब पसंद आए। अभी हमने कुछ भी डिसाइड नहीं करा कि कौन सा बाइक लेना है, किस बजट का बाइक लेना है। सिर्फ डिपेंड करता है क्या पसंद आएगा मुझे और क्या पसंद आएगा आरोही को, उसके हिसाब से हम बाइक ले लेंगे। उसी के लिए आज हम जाने वाले हैं सुपर बाइक की विंडो शॉपिंग के लिए। अगर आरोही की लैंग्वेज में बोलूं, पूरा वीलॉग लास्ट तक देखना। अगर आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे बाइक्स देखने हैं, महंगे महंगे, ये देखो इसकी गुड मॉर्निंग अभी भी नहीं हुई है। मैक्सू सुबह होगी, उठ जा हमारा बच्चा, उठ जा बेबे। और ये बैठी है हमारी प्यारी डायना। महारानी साहब आपकी मॉर्निंग कब हो रही है, कितना सोना है, उठ जाओ हुण, बाहर जाना है। चलो 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 आ जाओ आ जाओ। हमसे अच्छे तो डॉगी होते हैं, पूरी विटामिन ले लेते हैं। अब मानोगे नहीं, डायना और मैक्स कम से कम आधा घंटा बाहर इतनी तपती धूप में बैठते हैं और इनको बहुत अच्छा लगता है। डॉक्टर ने भी कहा था इनके लिए धूप बहुत अच्छी होती है। हाँ, इनके लिए धूप में खेलना उतना अच्छा नहीं है बिकॉज अभी बहुत गर्मी है तो बीमार भी पड़ सकते हैं। बट धूप में अगर आपके डॉग बैठना पसंद करते हैं तो श्योरली उन्हें बैठने दिया करो। एंड मैं रेडी हूँ, आरोही भी तैयार हो रही है। और क्या स्टेटस है तुम्हारा? तुम्हें कितना टाइम लगेगा तैयार होने में? मैं दिखाया करूंगा सबको। 2 मिनट्स, 2 मिनट्स, बस लाइनर बचा। 1 hour later. Don't create so much pressure on me. मेरा व्लॉगिंग सेटअप कितना अच्छा दिख रहा है, इतना बड़ा लेंस। एंड फाइनली आरोही कपूर रेडी हो गई। ज्यादा टाइम नहीं लेती मैं रेडी होने में, बहुत टाइम लिया तुमने। पर अब हम निकलेंगे। A few moments later. अब मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं तुम्हें पूछूं तुम्हारी प्रेफरेंस क्या है, क्रूजर बाइक, स्पोर्ट्स बाइक, तुम्हें क्या पसंद है? देखो मुझे वो बाइक पसंद है जिसकी पीछे की सीट कंफर्टेबल होती है, वो जो मर्जी हो। स्कूटी ले ले, स्कूटी एक्टिवा पीछे बहुत कंफर्टेबल होती है। That's not a bad idea. आर्यन बिल्कुल बिल्कुल एकदम। अरे यार ये तो हटाओ। अरे तो फील ले पीछे बैठ के। हाँ मैं फील ले रहा हूँ एकदम। पीछे अल्कज़ार में सबसे अच्छी फील पीछे बैठने वाले को आती है। जो भी कोई अल्कज़ार खरीदने का सोचता है ना तो वो ड्राइवर जरूर रखो। हमारे पास ड्राइवर नहीं है बट ड्राइवर रखो, पीछे बैठ के बहुत मजा आता है, अलग ही रॉयल फील। मैं सच बताऊं, लास्ट टाइम जो हमने डुकाटी ली थी एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था। दिस टाइम वी वांट टू गो फॉर हार्ले हो गया, सुजुकी हो गया, ट्रायम्फ हो गया, थोड़े ना ऐसे ब्रांड जिनकी मेंटेनेंस कम हो, जिनमें प्रॉब्लम्स कम आती हो, तो इस तरह का कोई हम बाइक लेना चाहते हैं। इसकी बात तो सुननी पड़ेगी कि पीछे की सीट कम्फर्टेबल होनी चाहिए, है ना? क्योंकि हम दोनों ने साथ चलना है, क्योंकि अकेला तो इसने मुझे जाने देना। हमारा ना विक्रम बेताल वाला सीन है, मैं विक्रम हूँ, मेरी बेताल है, पीछे लटकी रहती है हमेशा, बाइक पे भी लटकी रहेगी। एंड हम आगे NS1, यहाँ पे ढेर सारे बाइक्स मिलेंगे। चलो 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 चलो, अब तो तुम्हारी विंडो शॉपिंग अच्छी होने वाली है, ऑप्शन ही ऑप्शन। ये देखो तुम्हें कौन सी पसंद आ रही है इनमें से, सिर्फ देखने देखने के हिसाब से। अभी ये मत बोलना कि पहले बैठना पड़ेगा, कंफ्यूजन है, बहुत सारी ऑप्शंस हैं। मेरी हाइट 6'2" है तो मुझे बड़ी बाइक ही लेनी पड़ेगी, छोटी बाइक पे अपना गुजारा नहीं होगा। देखो मैं सारी बाइक्स दिखाता जाऊंगा, हम भी देखेंगे, लेकिन आप लोग कमेंट जरूर करना कि आपको कौन सी पसंद आई, क्या पता मुझे डिसीजन में बहुत हेल्प मिले आपके हिसाब से। बिकॉज अभी कुछ भी डिसाइडेड नहीं है, बजट डिसाइडेड नहीं है, बाइक डिसाइडेड नहीं है, तो सब डिसाइड करना है तो आपकी हेल्प भी लगेगी। शमी बाजी की हाल है, ये हमें बताएंगे मुझे क्या जचेगा, अपने नु की चाहिए। फुट देखो मैं 6'2" तुम अपने साथ लो दसो जिससे मैं जच्चा। हमने कुछ डिसाइड नहीं करा कौन सा बाइक कौन सा ब्रांड, बजट भी नहीं है, बाइक अच्छी होनी चाहिए। बेसिकली पहले प्रेफरेंस मतलब आपका क्या, मतलब स्पोर्ट्स में देख रहे हो या? हाँ ये अपना की है कि जब भी मैं बाइक चलाऊंगा तो मैडम ने भी पीछे बैठना है, तो मैडम पीछे बैठेगी, मैडम कह रही पिछली सीट भी कंफर्टेबल होनी चाहिए, उस हिसाब से भी थोड़ा जाना सामने देखना पड़ेगा। चलो पहले तो भूसा ही देख लो ऑब्वियसली। हाँ यार भूसा ये तो चलो एक अलग ही चीज है, कंफर्टेबल है मामले में, मतलब रेयर वास्ते भी काफी अच्छा बाइक है और मतलब जो राइडर है उधर वास्ते भी काफी बेटर बाइक है। बात करते हैं इसकी, तुमने वो मूवी देखी है अपना दबंग, उसमें सलमान खान सोनाक्षी सिन्हा को बिठा के जा रहा होता है, इंट्रूडर 1800, एक ऐसा बाइक है। मुझे अर्नी भैया के साथ बाइक चलानी और उनकी राइडिंग स्टाइल सबको पता है तो मुझे थोड़ा सा तो स्पोर्ट्स में। तो आप ये सब भूल जाओ, ये हम सब भूल जाए। एक ऑप्शन है मेरे पास अर्नी भैया के साथ, कौन सा? ZX10R बाइक काफी डिमांड में है, मतलब मार्केट में बहुत चल रही है। आई थिंक नया है, बुजुर्ग के बाद ये बाइक सबसे ज्यादा रहती है और सेलिंग प्रोडक्ट है।
ऊपर से इसकी मेंटेनेंस भी कम है, बहुत सारी चीजें हैं। वैसे पार्ट्स भी काफी सस्ते हैं, इजीली अवेलेबल मिल जाते हैं। मतलब आफ्टर सुजुकी दिस वन इज लाइक लो मेंटेनेंस एंड एवरी सर्विस कॉस्ट कम है, वो सब चीजें। पर ये इधर की कॉस्ट का पहले हमने अपने न्यू बाइक का समवेयर अराउंड है 19 का एंड प्लस उसी एक्सेसरीज वगैरह ऐड ऑन करोगे तो तुम्हें टोटल पैसा आता है 22 देर ऑफ। ओके बट आता है आस्किंग 17 लैक्स का है। ओके तो ये अगर हमारे ऑप्शन में आती है तो दिस वन इज फॉर 17 लाख। यार ये भी बहुत अच्छी दिख रही है ना, ऐसे माचो सी बड़ी सी, ये कौन सी बाइक है? ट्रैम रॉकेट है, रॉकेट 3 है। रॉकेट 3 पुरानी वाली ना? ओके 23 सीसी इंजन है बट इसमें तो सिंगल सीट है, आप बैंबू बिठाओगे। अच्छा इसमें डबल सीट आती नहीं है, उतारी हुई है? उतारी हुई है, मतलब ये कस्टमाइज। यार ये अच्छी बाइक थी यार, यही लेते हैं। कोई बात नहीं, तुम गाड़ी चलाना ना आराम से। This one is 2300cc, समझ रहे हैं? जैसे हम वो कल गाड़ी में घूम रहे थे ना, बहुत बड़ा मॉन्स्टर ट्रक, वैसे इसका मॉन्स्टर इंजन है। अपना इसकी आस्किंग क्या आपकी? वैसे फॉर एग्जांपल हम ले नहीं रहे, पर आस्किंग क्या आपकी? 11 लाख आस्किंग है। ओके और ये नई कितने की थी जब आती थी? न्यू जब आती थी वही 22-23। देखो 22 लाख की भाई 11 में मिल रही है, 50% ऑफ ले लेते हैं। देपा जी अपना जो हायाबुसा दूसरी लाल दिखाया उधर में प्राइस पूछना भूल गया, उधर की आस्किंग है 12 लाख। ते इधर अपना ईयर केड़ा है? 2016 मॉडल। और ये 12 लाख इसका मांग रहे हैं एंड सीरियसली हायाबुसा मुझे देखने में बहुत अच्छी लग रही है। और ये अच्छा ये बिक चुकी है या फिर दिखा क्यों रहे हैं? कैसे कैसे आप ये कर सकते हो, मतलब बिकी हुई चीज क्यों दिखा रहे हो? नहीं आपने बोला कि ऑप्शन देखने आपने देखो जिसमें पीछे कंफर्ट था वो तो बिक गया, दिल टूट गया। अब एक सीटिंग के हिसाब से अगर हम देखें लो मेंटेनेंस दैट इज Z900 Kawasaki की, साल में एक बार सर्विस रिक्वायरमेंट होती है और कॉस्ट भी समवेयर अराउंड 8 से 9 हज़ार के अराउंड। देखो 8 हज़ार की सर्विस, मैं तो कहता हूँ एक जो बाइक लेना है वो भी ले लेते हैं और साथ में ये भी डाल देते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री बाइक। बट दिस बाइक इज ए वेरी गुड ऑप्शन, जो बंदा थोड़ा बजट में है और उसे लो मेंटेनेंस बाइक चाहिए। मैंने सबके मुंह से यही सुना है कि इस बाइक से अच्छी कोई बाइक नहीं है, जल्दी बिक भी जाती है, जल्दी मिल भी जाती है, पार्ट सस्ते हैं, मेंटेनेंस लो है। जब मैं लुधियाना में होता था ना, वैसे हार्ले डेविडसन मुझे बहुत पसंद है। दिस वन इज हार्ले डेविडसन 1200 कस्टम। इस बाइक की बात नहीं हो रही, इस बाइक की बात हो रही है, चाबी इस बाइक की है, लेकिन दोनों बाइक सेम है। वेरी कंफर्टेबल, ये बाइक तो हमने देख ली, इसकी आवाज भी मैंने आपको सुना ली। अब हम देखेंगे ZX10R जो कि बहुत ही फेमस बाइक है। अब ये ZX10R, इसका एक बार देख लो कि मैं बैठ के कैसा लगता हूँ। ये फील तो अच्छी है, अच्छा लग रहा हूँ मैं। बैठो तुम एक बार बैठ के देखो कि तुम्हें कितना कम्फर्ट आता है। तुम ऐसे देखो, ऐसे हुए तो अच्छी लगेगी। मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं हवा में हूँ। तो मैं स्टार्ट करके बताता हूँ। ये अभी इसका फुल स्टार्ट है, बहुत ही लाउड बाइक है। This one is nice. इसकी आवाज बहुत ही अच्छी है, मतलब ये फुल स्पोर्ट्स फील है, ये तो कंसीडर करी जा सकती है। पाजी इतना प्राइस किसी? 17 लाख बस। बर्थडे गिफ्ट, बर्थडे अक्टूबर का वेट करेंगे, मतलब एडवांस गिफ्ट कर दो 3-4 महीने पहले। नहीं हम अक्टूबर का वेट करेंगे, अक्टूबर मिलेंगे बर्थडे गिफ्ट। बट दिस वन इज नाइस एंड वी आर गोइंग टू कंसीडर इट। पाजी इतनी आवाज सुनाओ एक बार। बहुत ही लाउड है ये, बहुत ही लाउड है, बहुत ज्यादा लाउड है ये। अपने पास अब दो ऑप्शन आ गए हैं, देखो इसकी आवाज तो बहुत अच्छी लगी है, बैठ के भी देख लेते हैं। ओ इसमें तो बैठ के तुम भी छोटे लग रहे हो, इसमें भी छोटा लग रहा होगा, तो ये बाइक नहीं लेनी। वैसे लोग सोचते हैं कि मेरी हाइट छोटी है, साइड से देखो, इट्स लाइक दैट मॉन्स्टर ट्रक। हां दिस वन इज वेरी क्यूट, हम इसे भी एक बार ऑप्शन में लेके चल सकते हैं, बाकी सीट की टेंशन मत लो वो लग जाती है। देखो अब हम हायाबुसा देखेंगे, उसकी आवाज़ सुनेंगे, उस पर बैठ के देखेंगे, बिकॉज अरनी भैया की फेवरेट बाइक है हायाबुसा और उन्होंने मुझे बोला था कि उसे जरूर ट्राई करना। ये देखो ये भी एक हायाबुसा है इनके पास, बट ये भी बिक चुका है।
इस वाले सोल्ड आउट, बट हम इसे एटलीस्ट ट्राई कर सकते हैं, ट्राई करके देख लेंगे और मेनली ये देखेंगे कि मैं इसमें कैसा लग रहा हूँ। मैं कैसी लग रही हूँ? क्या बात है, मैं अच्छी लग रही थी। हॉट टेंस नहीं, आगे नहीं, नहीं बट बहुत अच्छी लग रही हो। हायाबुसा है, हायाबुसा है, इसमें इज वेरी स्मार्ट। देखो एक बार मैं इस पर बैठ के देख लेता हूँ, मैं बाहर हूँ, मैं जिसको भी पहन सकता हूँ। ऑनेस्ट ओपिनियन चाहिए, मैं कैसा लग रहा हूँ, कैसा है सब बताओ, बिकॉज ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है जिसे हम खरीद सकते हैं। सो हाउ इज इट, होम फीलिंग? चलो एक बार से भी स्टार्ट करके देखें। कितनी बेसी आवाज है ना, आ जा पीछे आ जा, एक बार यहाँ बस पास रुक पास आ। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा। इनलाइन फोर की जो आवाज़ है ना, उससे बस प्यार है। मेरा पूरा मन है कि मैं इनलाइन फोर में ही जाऊँ। अब हम इसकी शायद टेस्ट ड्राइव भी ले सकते हैं, बिकॉज़ ये बिक चुकी है, तो ये भी एक बहुत बड़ा पंगा है। बट एक बार फिर से आप ये बाइक देख लो। हमने बाइक तो बहुत देख ली है, लेकिन डिसाइड अभी कुछ नहीं हुआ है। अब हम आराम से घर जाएंगे, अरनी भैया के साथ भी बैठेंगे, चीज़ें डिस्कस करेंगे और जल्दी ही देखेंगे हम कौन सा बाइक ले रहे हैं। बट यस, दो तीन हफ्ते में बाइक आ जाएगा, उससे ज़्यादा लेट नहीं होगा, बिकॉज एक बार जो हम कमिटमेंट कर देते हैं तो मैं इसकी बिल्कुल नहीं सुनता, फिर मैं सिर्फ अपनी सुनता हूँ। बाइक आएगी, तुम ना नहीं कर सकती इस चीज़ पे। घर चलो, मतलब हायाबुसा के ऊपर बैठी हो और उबासियां ले रही हो, शर्म करो, मरते हैं लोग इस पे बैठने को, और तुम्हें एक्साइटमेंट की जगह निन्नी आ रही है। देखो इतना तो पक्का है कि हम जो भी मतलब नहीं, मतलब यार हम इतनी अच्छी जगह आए हैं, इतनी एक्साइटमेंट है, मतलब मुझे तो आई थिंक दो दिन नींद भी नहीं आएगी कि हम सुपर बाइक ले रहे हैं और ये बाइक देखते देखते उबासियां ले लेके पागल हो रखी है। इसलिए मैं कहता हूँ ऐसा जिम चल लिया करो, आलसी होगी अब तुम, आज तो तुम बहुत आलसी होगी। मैं जिम जाऊंगा, मैं भी जिम जाऊंगा और मैं इस वीलॉग में उस जिम के शॉर्ट्स भी डालूंगा। फिटनेस बहुत जरूरी है, आपको फिट रहना बहुत जरूरी है, तभी तो बाइक पे हम और अच्छे से जचेंगे। मैं एनीवेज फिट हूं, जिम जाने की जरूरत ही नहीं है। घमंड नहीं, बट सीरियसली जो भी बाइक आएगी उसमें बहुत ही एक चीज का ध्यान रखूंगा कि ये भी कंफर्टेबल रहे पीछे, बिकॉज इसका कंफर्टेबल रहना बहुत जरूरी है। आपकी बीवी जितनी जिंदगी में कंफर्टेबल रहती है, आपकी लाइफ उतनी कंफर्टेबल रहती है। सो हमारे क्राइटेरिया बाइक लेने के अब जो फाइनली हमने डिसाइड करे हैं, नंबर वन स्पोर्ट्स बाइक होनी चाहिए, फास्ट बाइक होनी चाहिए, नंबर टू लो मेंटेनेंस, नंबर थ्री जो बजट है दैट इज फ्रॉम 10 to 20 lakh, उसके बीच में कहीं भी जो भी हमें अच्छी बाइक मिल जाए। मेरे लिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि बाइक 6'2" हाइट को कॉम्प्लीमेंट करनी चाहिए, मैं उस पर बड़ा ना दिखूं, जो मेरी हाइट को मेरी बिल्ड को सूट करे। 346 minutes later हम घर पहुंच गए हैं, टाइम हो गया 8:18, 11 बजे जिम खुला होता है, 9 बजे तक मुझे जिम पहुंचना है। प्री वर्कआउट स्मूदी आरोही बना रही है। आज मेरे प्री वर्कआउट स्मूदी में थोड़ा सा चेंज है, और वो चेंज है बनाना की जगह मैंगो। मुझे मैंगो बहुत पसंद है, उस समझ में हम दबा के मैंगोस खाते हैं। इसमें डली है बेरीज, ये ब्लूबेरीज है, और मैंगो वॉलनट आलमंड प्रोटीन स्कूप हाफ डाला है, और साथ में डलेगा थोड़ा सा दूध एंड वॉटर। स्मूदी पी के मैं अभी चला जाऊंगा जिम, और फिर करूँगा शोल्डर वर्कआउट, और जल्दी से रेडी हो जाता हूँ और जिम के लिए निकलता हूँ। Now I must conclude, I am conflicted.
later. So, मैं घर आ गया हूँ, अब मैं पीऊंगा एक स्कूप वे प्रोटीन एंड आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया और साथ में मेरा शोल्डर वर्कआउट भी पसंद आया। बहुत लोगों ने बोला था कि आपको सेट्स एंड रेपिटेशन भी बताना चाहिए, तो आज के वर्कआउट में मैंने वो मेंशन करा है। अब जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं करा वो सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज अभी हमने बाइक लेनी है। बहुत कुछ आने वाला आगे, सो वीडियो लाइक जरूर कर देना एंड सब्सक्राइब द चैनल।